प्रत्येक मनुष्य यह चाहता है कि उसे कोई भी बीमारी ना हो। अगर किसी भी कारणवश उसे कोई बीमारी हो जाए तो उसका इलाज जल्दी से हो जाए। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिसमें नियमों का पालन करने पर बीमारी आपके पास तक नहीं आएगी। अगर आ भी गई तो उसका इलाज केवल 5 से 10 मिनट में तुरंत करें। चिकित्सा प्रणाली महाभारत काल की है जिसमें घायल योद्धा तुरंत युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता था। उस योद्धा का इलाज इसी विधि से किया जाता था। तो आइए जानते हैं क्या है ये विधि। क्या नाम है सर आपका? मैं शास्त्री ब्रजमनी लिखता हूँ जी। किस तरह की चिकित्सा आप देते हैं? चिकित्सा हम आधुनिक आयुर्वेद जिसको कह सकते हैं या प्राचीन आयुर्वेद कह सकते हैं। तो आजकल लोगों का माहौल जो बन चुका है, चिकित्सा सबको चाहिए और जल्दी चिकित्सा चाहिए, तो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयास करते करते मैं इस लक्ष्य तक पहुँचा हूँ कि लोगों की जो भावना और विचार है उनको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो मेरा अपना दिमाग गया कि चिकित्सा का जो क्षेत्र है हमारे भारत में भी रहा है जिसको हम महाभारत काल की चिकित्सा कह सकते हैं। ये महाभारत का योद्धा रात को पूरी रात में ही वो नींद भी पूरी करता था अपनी, रात को ही चिकित्सा लेता था, अगले दिन सुबह फिर वो युद्ध स्थल में जाता था। तो आखिर वो भी कोई ना कोई चिकित्सा रही होगी। उस चिकित्सा पर जब हमने थोड़ा सा चिंतन किया, अध्ययन किया, मनन किया, कुछ महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त किया, जिसमें मेरे सानिध्य प्राप्तकर्ताओं में सबसे अहम भूमिका जो रही है, जिनका मुझे सानिध्य मिला है, उनमें सबसे बड़ी भूमिका पूज्य राजीव भाई की रही है, जिन्होंने भारत के एक गहन विषय को, गहन अध्यात्म को, गहन चिकित्सा का विषय हो चाहे कोई भी क्षेत्र, उन्होंने निकाल करके आज के समाज के सामने रखा। उसकी कृपा मेरे पर थोड़ी सी भई, प्रभु की कृपा, संयोग, प्रकृति की आपदाओं के जब विपरीत मनुष्य काम करने लगता है तो ये सारी चीजें छोड़ जाती है। प्रकृति के समरूप व्यक्ति जब काम करता है तो सारे संयोग, सब सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, अपने आप संयोग से आ जाते हैं। ईश्वर ने इस काम के लिए मानव की शरीर में कुछ क्रियाएं दी हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं सब्जियों में, तो सब्जी हम लेने जाते हैं घिया, कद्दू, लौकी, टिंडा, भिंडी। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम घिये को लेते हैं, लौकी जिसको बोलते हैं, तो उसको चेक करते हैं नाखून से। तो प्रकृति ने हमारे ब्रेन को एक्टिवेशन इतनी दी है कि नाखून घिया में लगना चाहिए, तो घिया में नाखून लगेगा। बाकी और सब्जियां जब हम चेक करते हैं तो नाखून लगा के किसी से नहीं करते। तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आखिर कुछ ना कुछ है। तो उसके प्रयोग से हमने जो निष्कर्ष या जो लाभ प्राप्त किया है, वो लाभ यह है कि घिया का ऑयल, और आपने ये भी देखा होगा कि लोग जब चारों तरफ से बीमारियों से निराश हो जाते हैं तो एक ही विकल्प मिलता है कि भाई घिया का रस पियो। अगर हम शुरू में ही पीने लगे तो शायद बीमारियों से हमें इतना बड़ा संग्राम नहीं करना पड़ेगा। तो उसका जो ऑयल है, जो नेचर में है, स्वाभाविक है, उसी तरीके से एक चिकित्सा पद्धति है हमारी जो स्वाभाविक है। हमारे घरों में अगर कहीं कोई किसी को दर्द हुआ, कहीं कोई बीमारी हुई है, तो उस पर हमने दबाना शुरू कर दिया। अगर सर में दर्द है तो हमने सिर को दबाया। यही ज्ञान हम अगर महाभारत काल की बात करें तो वहां कुछ महापुरुष ऐसे रहे हैं जिन्होंने इस पर गहन चिंतन करके कुछ पर्टिकुलर बिंदु को चयन करके उसका चिकित्सा की है, जिसको हम मर्म चिकित्सा भी कहते हैं। प्रभाव इसका इतना है कि आप तुरंत ट्रीट करके पेशेंट को खड़ा कर सकते हैं, उन बीमारियों में कुछ भी बीमारी हो। यह चिकित्सा करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अध्ययन करने का है। इसमें हम किसी व्यक्ति विशेष के किसी व्यक्ति विशेष रोग की चिकित्सा नहीं कर सकते। आप कहिए किसी को खांसी है तो आप खांसी का ट्रीटमेंट करिए। इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि ये पूरे ब्लड के सर्कुलेशन, हमारी पूरी बॉडी के 12 ऑर्गनों को लेकर के एक साथ चलती है। जब ये 12 ऑर्गनों की पूरी सफाई, यानी वहां तक ब्लड नहीं पहुंच पाना, जिसकी वजह से उसमें अवरोध आया, और अवरोध आने की वजह से वो ऑर्गन, वो अंग हमारा काम नहीं कर रहा है, उससे संबंधित हमको बीमारी हुई है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करते हैं कि अगर आपको आंखों में कोई ना कोई दिक्कत है तो आपका लीवर खराब है। अब लीवर की चिकित्सा हम करेंगे तो आंख हमारी ठीक होगी। पीलिया का अनुमान हमें आंख से ही लगाया जाता है। इसी तरीके से अगर हमारे कान में कोई दिक्कत है तो आप निश्चित समझ लीजिए सेंस ऑर्गन, एक ऑर्गन की एक सेंस वाला हमारा बाहर दिया हुआ है। जैसे किडनी का हमारा कान है, अगर कान में कोई दिक्कत है तो हम किडनी का ट्रीट करेंगे,
आंख में कोई दिक्कत है तो हम लीवर का ट्रीट करेंगे। अब ट्रीट लीवर का नहीं करना है, हमारी जो चिकित्सा पद्धति है वो सिर्फ ये देखती है कि लीवर से रिलेटेड जो भी नस वायु के अंदर है उसको हम साफ करते हैं। और साफ करने का जो तरीका है, जो प्रकृति ने हमें दिया है, हमें नेचर में दिया, हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उसको प्रेस करना, जो एक मर्म चिकित्सा कहलाती है, ये हमारी एक चिकित्सा का तरीका है। महाराज जी, आरोग्य शिविर आप 14 से 20 अप्रैल को लगाने जा रहे हैं। जी, जी। पिछले 2 वर्षों से आप प्रत्येक माह लगाते हैं। जी, जी। इस वर्ष आवासीय शिविर भी लगाया जाएगा। जी, जी। तो इसमें विशेष क्या रहेगा? देखिए, अभी 3 दिन 4 दिन हम महीने में वहाँ बैठते हैं। लगभग कई बार होता है कि मैं महीने में 3 बार भी चला जाता हूँ, लगभग सैटरडे संडे मैं गुड़गांव में ही रहता हूँ। लेकिन अब इस समय हुआ ये कि भीड़ कुछ जरूरत से ज्यादा हो रही है, परिणाम जब उसके आ रहे हैं तो भीड़ बढ़ती जा रही है। विशेष इसमें यह है कि इस शिविर का लाभ रोगी नहीं, निरोगी भी ले सकता है। जरूरी नहीं है कि जो रोगी है वही आए, निरोगी भी ले सकता है। अब जो हमारा तरीका है रोगी और निरोगियों पर, देखिए रोगी हैं वो तो ठीक होंगे ही होंगे, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि हम जो ऑर्गन से संबंधित नस है उसको साफ करते हैं, वो भी विदाउट मेडिसिन, बिना मेडिसिन के, सिर्फ मर्म चिकित्सा के माध्यम से, जिसका परिणाम पेशेंट को लगभग 24 घंटे के अंदर आ सकता है। अब रही बात यह कि आज मैं यंग हूं, यंग अवस्था है, मेरे अंदर शरीर में ताकत है, मुझे जो होने वाली बीमारी भविष्य में है मुझे दिखाई नहीं दे रही है, तो जो बीमारी आने वाली भी है वो भी वहां से विदा हो जाएगी। जो बिंदु हम लेंगे, अगर आपको कहीं कोई ब्लॉकेज है तो वो भी साफ होगा। विशेष इसमें यह है कि इसके साथ साथ में एक साथ में आपको योग भी मिलेगा, प्राकृतिक चिकित्सा भी मिलेगी, आहार चिकित्सा भी मिलेगी, दिनचर्या ऋतचर्या योग अध्याय अध्ययन, आपको सारी चीजें समझा करके पूर्ण तरीके से आपकी दिनचर्या आहारचर्या को आप समझेंगे, ताकि अपने यहाँ से जाने के बाद अपने पड़ोसी का, अपने रिश्तेदार का, अपने घर का भी आप ट्रीट कर सके। पंजीकरण का क्या इसमें? पंजीकरण के देखिए कई तरीके हैं, इसमें नंबर भी दिया गया है, आप इस पर भी पंजीकरण करा सकते हैं। लेकिन आज का थोड़ा सा जो माहौल है पंजीकरण का सिस्टम, पेशेंट रोगी अपनी नाम उम्र और बीमारी कब से है उसका कंफर्मेशन करा देगा, ताकि अगर वो आता है उसको असुविधा नहीं आओ, हम उस तरीके की व्यवस्था कर सकें ताकि मुझे पता हो कि इतने लोग यहाँ आ रहे हैं। स्थान क्या रहेगा गुरुजी? स्थान वहां पर गंगागिरी कुटिया मंदिर के नाम से है, वहां पूरा क्षेत्र जानता है, पटौदी चौक से गुड़गांव में 500 मीटर आपको वसई के लिए चलना है, वहीं आपको राइट हैंड पर श्री श्री 1008 स्वामी गंगागिरी कुटिया मंदिर के नाम से है, काफी फेमस जगह है, आम आदमी आपको बता देगा। अब आपको मिलवाते हैं उन लोगों से जिन्होंने इस विधि का लाभ लिया है। आपको सिर्फ 5-6 साल से, जिसके साथ में अनिद्रा यानी नींद ना आना, दूसरी समस्या इनका शुगर का लेवल लगभग 400 के आसपास था। आज 1 महीने बाद मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ, ये अपना अनुभव खुद ही साझा करेंगे कि इस समय अब आप क्या सेल्फ डिस्क में, जो बैक में या जो एक पैर में दर्द आपको जाता था, अभी क्या फील करते हैं, कितना आप महसूस करते हैं कि ठीक है? बहुत बहुत अच्छा है, बहुत सही है। सही है। लगभग कितने डॉक्टरों को आपने दिखा चुके हैं? लगभग 10-12 डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ मैं, गुड़गांव अलवर जयपुर, देसी दवाई वगैरह सारा कुछ लिया है मैंने। जी जी। अभी शुगर का जो लेवल है आपका, ये ट्रीटमेंट लेने के बाद शुगर का लेवल अभी आपने क्या है आपका? 130 हुआ है। 130 हुआ है शुगर का। और नींद इस समय पूरी है? हाँ, पूरी नींद पूरी आ रही है। पहले से काफी अच्छा है? पहले से काफी अच्छा है। क्या आप मानते हैं कि आयुर्वेद में आज भी इलाज संभव है? संभव है। परेशान थी आपकी? 15 साल। अच्छा अच्छा कमर दर्द से ही, गर्दन दर्द से? ठीक है, अब इस समय माँ ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या उम्मीद है आयुर्वेद से ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? बिल्कुल। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है, ये तो ईश्वर की कृपा है। चलो, हम तो नोके हैं माँ, लगते हैं बहुत ही भलो पर है हम। कोई नहीं माँ, मेरा काम है अब वो हम करते हैं। ठीक, उसके बाद ऐसे ही सहन करना। अगर आपको भी है कोई गंभीर बीमारी और आप चाहते हैं उससे जड़ से मिटाना, तो तुरंत शिविर में जाकर लाभ उठाएं। आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं।